मनीष चालु चालू थकी पड़े आध्यात्मिक मार्गर पथिक साजे द्रौपदेवी ठीक सेया कर मन भितर कोह को दमन करने को आखिर लुह सुखेबापाई से प्रजापति ब्रह्मकुमारी चरणाश्रित तो होते देखु देखु तांकर रास्ता लंबी जाइला रांची द्रौपदी बहन हमारी बहुत प्यारी सखी भी है बहन भी है और बहुत ही ऊंची पोस्ट पर महान भी है। वो जब हमारे संपर्क में आई थी तो यहाँ भुवनेश्वर में विधानसभा में विधायक थी क्या थी मुझे इतना याद नहीं है 2003-04 की बात है। लेकिन जब हमने रायरंगपुर में सेंटर खोला 2009 में तब वहाँ से वो ज़्यादा संपर्क क्योंकि उनका घर है रायरंगपुर और रायरंगपुर में वो हमारे आश्रम पर 7 दिन लगातार आई। वहाँ की जो बहन है सुप्रिया बहन उन्होंने उसकी सेवा की कोर्स कराया हम भी बीच बीच में जाते कटक पे भी बहुत बार आई गेस्ट बन के भी आई और हमारे बिल्कुल घरेलू रूप से रहने के लिए से जो संघर्ष तांको जीवन रे जो आसिला ताकू से ता सहित संघर्ष करे अति आध्यात्मिक शक्ति द्वारा सशक्त हो तांको बुद्धि रहिला जहाँ ये घटीला मोर कल्याण पाई जहाँ एवं हूँ मोर कल्याण पाई आ मत परमात्मा जो पदरे वर्तमान अधिष्ठित करश्वर वरदान ईश्वर सेवार सदावे यही रही मोर समस्त प्रति यही भावना रहूँ। दुखर मुक्तिर मार्गे द्रौपदी को मिलला रांची टिकेट 2015 मसीह से बनीगले झारखंड राज्यपाल प्रथम महिला भावरे तांकु एही सौभाग्य मिलला। तेबे राज्यपाल थिबा समय रे तांकर दृढ़ता एपरिकि बीजेपी सरकार रो बिल दस्तखत नकरी फेराई देबा तांको दक्षता को प्रतिपादित करथिला। शेषरे 2021 जुलाई रे कार्यकाल सरिबा परे से पुणी थरे रायरंगपुर महुल ढियारे थिबा निज घर को फेरी आसीथिले। वो हमारे गांव से है और हम सारी स्टूडेंट के लिए वो एक प्रेरणा है। जब वो आते हैं ना सभी को तो सभी के साथ बहुत अच्छा ही मिलते हैं और जो आते हैं ना उनका पर्स में वो चॉकलेट लेकर के आते हैं। जब बच्चे भी आ जाते हैं हम लोगों का परिवार में बहुत सारा बच्चे हैं वो सभी को चॉकलेट दे करके बहुत खुश ये करते हैं। रायरंगपुर रांची जाए लंबी थी रास्ता एवं रायसीना हिल्स रे पहुंची सारी जड़े ओडिया आदिवासी महिला बनी सारी देशर सर्वोच्च शासन गाँवें रोकवा द्रौपदी एवं देशर प्रथम नागरिक रायरंगपुर से रायसेना द्रौपदी राष्ट्रपति होगा खुशी से उत्सव मनाऊँ सारा राज्य आदिवासी अद्भुतपूर्व उत्साह कहींकना से अति निजर अति आपणार मनीष हे रायसीना सिंहासन बस
ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ନା ଆଗକୁ ହେବ ଏକଥା କିଏ ଜାଣିଛି। ଦୁଃଖ ମଣିଷକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ ଆଉ ଲୁହ ଶିଖାଏ ବଞ୍ଚିବାର କଳା। ଜୀବନର ଝଡ଼ ଭିତରେ ଅଣ୍ଟା ସଳକି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଛାଇଆ ଲୁହ ଖେଳ ଭିତରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼େ। ଲୁହକୁ ଚାରିଚଉତା କରି ରୁମାଲ ପରି ସାଇତି ରଖି ଜୀବନ ଜିଇଁବାର କଳା ଶିଖିଥିବା ଆଉ ଶିଖେଇଥିବା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଆ ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ ସୁନ୍ଦର ଯେତିକି ଅନ୍ଧାର ସେତିକି ଏଇ ଯେ ଗହନ ବନ। ତେଣୁ ତୁ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଗରେ ଅଟଳ ରହରେ ମନ। ଯିବାକୁ ରହିଛି ପଥ ବହୁ ଦୂର ଆହୁରି ରହିଛି ବାକି। ଚାଲିବି ଚାଲିବି ନ ପଡ଼ିବି ଥକି ମୁଦିବା ଆଗରୁ ଆଖି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।